फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, हर साल बैरून मुल्क बेहतर जिंदगी की तलाश में हजारों पुरुमीद अफराद जाली नौकरियों और इंसानी स्मगलरों का शिकार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, यूं वो ना सिर्फ अपनी बचत, अपनी सेविंग्स, अपना सरमाया खो देते हैं बल्कि अपने ख्वाब भी खो देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम गैर मुल्की मुलाजमतों के नाम पर मासूम लोगों को उनकी मेहनत से कमाई गई रकम ऐंठने के लिए और धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आम हरबों और स्कैम्स से पर्दा उठाएंगे। और इसके अलावा हम इस बारे में तजावीज भी शेयर करेंगे कि आप खुद को इनके जाल में फंसने से कैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले नौकरी घोटालों के बारे में बात करते हैं। सिर्फ ईयर 2023 में ग्लोबल फ्रॉड रिपोर्ट ने ये अंदाजा लगाया कि दुनिया भर में 3 मिलियन से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड का शिकार हुए और हजारों डॉलरों का नुकसान हुआ। फ्रेंड्स, फेक जॉब्स ऑफर करने का जो आम जरिया है और जो एक आम हरबा है, उसके तहत सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन जॉब ऑफर्स को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ये बहुत सच्ची लगती हैं, अच्छी लगती हैं, ये आपको एक ख्वाबों के महल की तामीर करने की हद तक गुमराह कर देती हैं और आप अपने सपनों में कनाडा पहुंच चुके होते हैं, अमेरिका पहुंच चुके होते हैं, यूके पहुंच चुके होते हैं, वगैरह वगैरह। इनमें हाई सैलरीज और लग्जरियस मराहत का वादा किया जाता है, बट दे कम विद अ कैच, उनके साथ एक डील भी चिपकी होती है। एक ऐसी डील और ऑफर जो कि अनप्लेजेंट होती है और उन एड्स में उसका कोई जिक्र नहीं होता है, वो उनकी शराइत होती है जो आपको राब्ता करने के बाद बताई जाती है। आपको पेशगी अदायगी करनी होती है जिसको नाम दिया जाता है कि ये आपकी वीजा प्रोसेसिंग फीस है और आपको जॉब दिलाने के लिए सर्विसेज या जो खिदमात हैं ये उनकी फीस है। बेटर बिजनेस ब्यूरो के मुताबिक ईयर 2023 में नौकरियों के घोटालों में 27% इजाफा हुआ है। धोखा दही करने वाले अक्सर रकम हासिल करते ही गायब हो जाते हैं और उसके बाद जो विक्टिम्स हैं वो कलाश हो जाते हैं। उनकी जितनी बचत होती है, जो कर्जा लेकर या जमीन बेचकर या जेवरात बेचकर जो कुछ उन्होंने दिया होता है, वो सब के सब तबाह बर्बाद हो जाता है। दूसरे जो केसेस सामने आए हैं उसमें धोखा दही करने वाले जाली वीजे, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और यहाँ तक के कंपनी का एग्रीमेंट भी फराहम कर देते हैं। तो जब ये विक्टिम्स एयरपोर्ट पर इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उन पर ये इंकशाफ होता है कि ये तो डॉक्यूमेंट्स ही जाली हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे विक्टिम्स को उस वक्त इस धोखे का पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और उनके साथ धोखा हो चुका होता है। फ्रेंड्स, ह्यूमन स्मगलर्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। वो एग्जैक्टली उन लोगों का शिकार करते हैं जो डिप्रेशन और मायूसी का शिकार होकर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। श्रीलंका, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसे ममालिक में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स मुनज्जम तरीके से फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारी रकम वसूल करते हैं। कुछ स्मगलर्स बैरून मुल्क सेफ पैसेज का वादा करके पर पर्सन $10,000 या इससे ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। लेकिन जब विक्टिम्स एयरपोर्ट या मुतल्लिका इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके कागजात तो जाली हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ विक्टिम फंस जाते हैं और अपने इस मसले की वजह से अटक कर रह जाते हैं और इस तरह कई को हिरासत, डिटेंशन या डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये तखमीना है कि इंसानी स्मगलर गैर कानूनी तरीकों से ईयरली सालाना $150 बिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं और इसमें इंसानी स्मगलिंग के बहुत सारे विक्टिम्स के साथ वो करते ये हैं कि उन्हें नौकरियों के झूठे मवाके फराहम करने का वादा करते हैं और ये वादा पूरा करने के लिए गैर कानूनी जराए इस्तेमाल करते हैं और इसकी खबर विक्टिम्स को होती है कि वो गैर कानूनी जराए इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन विक्टिम्स फिर भी उनका निशाना बनने के लिए तैयार होते हैं। वो इतने डिप्रेस होते हैं कि वो किसी भी तरह बस निकल जाना चाहते हैं, अपना मुल्क छोड़ देना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खतरे को, रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाना जाए, आप अपने आप को इन घोटालों से कैसे बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पॉटिंग द रेड फ्लैग्स। ऑब्वियसली फर्स्ट बी वेयर ऑफ फेक जॉब ऑफर्स। सबसे पहले नौकरी की जाली ऑफर्स से होशियार रहना होगा आपको। स्कैमर्स और धोखेबाज लोग अक्सर ग्रामर मिस्टेक्स के साथ अमूमी मालूमात या जेनेरिक इंफॉर्मेशन के साथ मैसेजेस या ईमेल्स भेजते हैं। याद रखें कि इन मैसेजेस और ईमेल्स में जो जॉब ऑफर की जा रही है अगर वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अट्रैक्टिव ऑफर है और इसमें आपकी कम से कम इल्मी काबिलियत या क्वालिफिकेशन का तकाजा है और उसके मुकाबले में सैलरी बहुत ज्यादा है, तो याद रखें ये स्कैम हो सकता है।
फिर इनको अपफ्रंट पेमेंट चाहिए होती है, यानी कि ये पेशगी रकम का मुतालबा करते हैं और वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी अदायगी तलब करते हैं। तो ये आपसे पैसों की डिमांड करेंगे। तो दूसरा अहम नुक्ता ये है कि आप कभी भी पैसे इनको पहले ना भेजें। ये धोखाधड़ी करने वाले अक्सर आप पर फौरी अदायगियों के लिए दबाव भी डालते हैं। ये आपको असली एम्प्लॉयर से मिलने नहीं देंगे, आपकी ना वीडियो कॉल कराएंगे ना आपको उनका नंबर देंगे। ये आपसे ये कहेंगे कि बस चंद स्पॉट्स ही बाकी हैं या ये जॉब ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगी। तीसरा इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंट हैं इनकी कानूनी हैसियत की तस्दीक करें, ये लाइसेंस शुदा हैं या नहीं है। लाइसेंस याफ्ता रेगुलेटेड रिक्रूटमेंट एजेंसियों को भी मुकामी लॉज की कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। जो जाली मुआहदे होते हैं, जो फेक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो ये जाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, वो जिस पेपर में प्रिंट कराए जा रहे हैं तो आप चेक करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो लो क्वालिटी प्रिंटिंग के होते हैं, उसमें कुछ अनक्लियर सी टर्म्स लिखी होती हैं, यानी कि गैर वाजह सी शराइत उसमें लिखी होती हैं। तो ये जालसाजी की कुछ वाजह अलामत होती हैं। फाइनली आपको चाहिए कि जो मुआहदे हैं उनका ठीक से गौर व फिक्र करके जायजा लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मुहैया किए जा रहे हैं उनको ठीक से देखिए। कोई चीज अगर आपको मुगालता आ रही महसूस हो रही है, वेग है, तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स की दुरुस्तगी की तस्दीक के लिए हमेशा सिफारतखाने या सरकारी चैनल से चेक करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कानूनी नताइज हैं, जब धोखा हो जाए तो आप किस तरफ जाएंगे, कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो याद रखें कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा धोखा हो जाए तो फौरी कार्रवाई करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो कानूनी कार्रवाई है, वो विक्टिम के फॉर्मल कंप्लेन के बाद ही शुरू होती हैं। आपने बाकायदा शिकायत दर्ज करानी होगी। मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरेबिया, बरतानिया और इंडिया जैसे ममालिक में अथॉरिटीज के पास धोखाधही और इंसानी स्मगलिंग के मामलों से निपटने के लिए खसूसी यूनिट कायम है। फ्रेंड्स, 2023 में सऊदी अरेबिया की विजारत बराए इंसानी वसाइल ने गैर कानूनी भर्ती करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और इस तरह के क्रैक डाउन होते रहते हैं। तो इसी तरह बहुत से ममालिक ने इंसानी स्मगलिंग और जॉब्स से मुतालिक धोखाधही के मसले से निमटने के लिए खसूसी टास्क फोर्सेस कायम कर रखी हैं। ये खसूसी फोर्सेस ऑब्वियसली अपनी कार्रवाइयां भी अंजाम देती रहती हैं। अगर आप या आपके कोई इर्द गिर्द के लोग शिकार बने हैं तो जरूर उसकी शिकायत करें, हिचकिचाहट मत बरतें। लेकिन अगर आप जानबूझकर ही इन स्कैम का शिकार होंगे, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया आने के लिए जो आजाद वीजा खरीदने का एक चलन है, आप अगर वो करेंगे तो आप इस गैर कानूनी तरीके से आकर अपने लिए कोई भी कानूनी इंसाफ हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर गलत राह पर आपने खुद ही कदम रखा था। अब अहम बात ये कि अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ इकदाम हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी जराए से मुलाजमत की पेशकश की तस्दीक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। सिफारतखानों या सरकारी वेबसाइट से हमेशा क्रॉस चेक करें। कभी भी बड़ी रकम पहले से अदा ना करें। जो रिक्रूटर है, जो भर्ती कर रहा है, उसके बारे में तहकीक करें, उसका लाइसेंस चेक करें, उसकी जो कानूनी हैसियत है उसकी तस्दीक करें। कोई अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जो शक पैदा करती है तो उसको रिपोर्ट करें, इदारों को मुतला करें। याद रखें कि बाखबर रहकर आप अपने आप को इस तरह के घोटालों से महफूज रख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप अवेयरनेस को फैलाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियोस सिर्फ नेक नियति के तहत बनाती हूं। वीडियोस बनाना मेरी हॉबी है। मैं आप लोगों को बाखबर रखना चाहती हूं। किसी का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए है। स्टे सेफ। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मा सलामा, बाय बाय।